नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस, आज छोटे वाले भाई नहीं है, मैं और अंकित भैया हमारे और ये हमारे पुरु भैया, हम तीनों भाई बहन जरा जा रहे हैं, दो दिन रेस्ट करा वृंदावन से आने के बाद में। फिर उसके बाद में घर पे बैठे बैठे बस चाय पी रहे थे, मूड बन गया जाने का। हम अपने घर के लिए इंटीरियर लेने जा रहे हैं, अब ये नहीं पता लेने क्या जा रहे हैं, बस मूड बन गया जा ही रहे हैं गाजियाबाद। अब देखते हैं वहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं, वो तो भगवान को पता है, बस मूड ही बन गया कि जाना है तो जाना ही है। दो दिन रेस्ट कर लिया, अब दो दिन बाद फिर ट्रैवलिंग शुरू, तो मिलते हैं गाजियाबाद में। बुलंदशहर का अटल टनल मनाली से, मनाली वाले अटल टनल से 2 या 3 किलोमीटर ही छूटा है बस से। हाँ। और देखो उसमें पानी ना, इसमें पानी भी है, ये इसमें काफी अच्छा यूनिक फीचर है। और देखो ऐसे वहाँ पहाड़ों में से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है देखो पहाड़ों से। ओ भाई देखो वो निकल रहा है, ये पिचकारी सी भी फाउंटेन। ऐसे फिल्टर के ऑप्शन तो हमें, तो गाइस ये हम अपने कार में 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। 50 मैं डालूंगी, 50 अंकित भैया और 50 पुरु भैया। निकालो 50-50 रुपए दोनों पे निकालो भैया, और 25-25 रुपए मेरे डाल दो। अरे वो दे चाबी दे, ठीक है निकालो दोनों 50-50 रुपए। Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। हाँ मैं भाई बैठी हूँ, बड़े वाले भैया उतर गए क्योंकि आधी शॉप बंद हो गई, बंद ना हो जाए तो बड़े वाले भैया उतर गए। अंकित भैया और मैं पार्क करके ना कार को जब उतर के जाएंगे। हो गई भाई, मेरे को लग ही रहा था हम लोग थोड़े से ना लेट हो जाएंगे, निकले तो टाइम पे। तब से टाइम पे भी नहीं, अगर हम 4 बजे निकलते ना भाई तो ठीक रहते, और लेट है। अबे थार का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगी, अगर आगे वाले की इच्छा ना हो तो मैं उतर नहीं सकती इससे। इसमें किडनैप करने के लिए। हाँ तो मनीष हार्डवेयर दूसरी ब्रांच खुली हुई है, एक बंद हो चुकी है एक खुली हुई है, थैंक गॉड। कौन सा है ये? गारंटी कुछ नहीं उतरता, चोली उतरता बस, ये चाहिए कौन सा देना। कितने प्यारे प्यारे हैं यार यहाँ पे सब कुछ, ये देखो सारा इंटीरियर, बाथरूम का हो गया, ये थोड़े VIP स्टाइल में हो गए। लाइट्स लुक एट दिस, कितना ऑसम है। एंड ये देखो ये तो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ये बनिया है यहाँ पे हिसाब जोड़ते हुए भैया, स्पीड तुम्हारी स्लो है उनकी तेज हो गया भाई, सही से करो। ऐसा ना वो नीचे भी ना देखेंगे, सामने देख रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। दे भाई दे, निकाल निकाल बहन जी को जल्दी। अब मैंने सुनिया, सुनो भैया मैंने सुनिया बनियों की दुकान पर जा, मैं ना वो कह रहे कई बार है, पर जब वो नौकर को इशारा कर देवे चले वो देने को जब ही है। नंबर इस पे लिख रहे हैं उनके नंबर और मिटे हुए हो मैं। और पता गड्डी को कई बार कहना, सोचे एक दो नोट बड़ी जावे। बहुत मुश्किल से सामान निकल पाए क्योंकि इन्होंने ना पूरा अपना गोडाउन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, बट निकाल दिया फाइनली। बट हाँ कुछ चीज़ें ना जो कि बिल्कुल बंद कर देते हैं तो उस वजह से कुछ चीज़ें तो मिली नहीं, बट वो बुलंदशहर में इजीली मिल जाती हैं। डोल लुक मैन थे और जो जो मेन था सामान वो सब तो मिल गया है, तो सामान हमने लोड कर लिया है अपनी थार में। बस एक और है भाई, डन। अब मैं सामान नहीं आता।
थार में हम अपने उपले वाले हैं भैया, कितने उपले आ जाएंगे पीछे? सौ उपले आ जाएंगे पीछे, भर के देखेंगे आपके गांव में जाके। खोल रहे तो भैया आप कहाँ चल रहे हो हमारे साथ? ओ आओ भाई पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। अंकित भैया आप खींच दो बढ़िया सा, देखो भाई उधर देखो, उधर देखो। हर बच्चे को शौक होता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दीदी को थैंक यू बोलो। ओ भाई दीदी को थैंक यू तो बोल दो, ये नहीं सुन रहे। हाय कर दो, हाय हाय तो कर दो, वीडियो में हाय कर दो। हाय क्या नाम है आपका? राट। ओके बाय गाइस। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे बड़ा मशहूर बर्गर खिलाने लाया है भाई, क्या नाम है उसका? कवि नगर। कवि गाइस आप लोग को ना मेन हमारे चैनल यूट्यूब पे जुड़े रहो हमसे, हर वीडियो में, हर वीडियो में जहाँ जहाँ हम जाएंगे कुछ ना कुछ फेमस जगह जरूर पता चलेंगे कि वहाँ का वो फेमस है, खाने का वहाँ का वो फेमस है। और जिस ब्लॉग में ना मिले वहाँ जुड़े रहे, अगले ब्लॉग का इंतजार करें। भैया जो बर्गर खिलाने लाए उसके लिए तो मुझे बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा गाड़ी में बैठ के। सही है कभी कोई कहने लगे कौन खोल रहा है मुंह? अंकित भैया ने खोला, पुरु भैया ने के। I'm doing alright since we are apart, you know it's always the heart first. करा हमने टोल खुल नहीं रहा है, देखो साइड से निकलेगी, देखिए खुला ना है, फिर ट्रक वाले ने साइड में निकाली, हमें भी निकालनी पड़ेगी। टोल ना देना अभी, टोल बोल रहा है फिर कैसे ना खुला तो फिर साइड से निकाल लूं। ये तोड़ा हमने टोल, ये एक बार मैं चाहती थी सारे टोल तोड़ना सपने में है? हाँ पूरा हो गया आज। हेलो तो गाइज हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निकल रहे हैं बुलंदशहर से, तो अपने फार्म पे होके चले, तो हम अपने बागों में आ गए। ये अभी भैया तुड़वाए ना आया ना, हमने अच्छे लग रहा पूरे देख के ऊपर, तो ये तुड़वाए ना आया ना अभी हमने, वो मिल गए मजदूर मिल गए, अभी तोड़ चालू ना हुई है, अभी डाल के पकेंगे, जब डाल के हम ही जाएंगे। ये जो भैया है ना ये हमारे डायरेक्टर भी हैं, और ये सारी चीजों की नॉलेज यही देते हैं हमें, सब कुछ यही संभाल रहा हूँ आजकल, हमारा यूट्यूब भी और फार्म भी, फार्म भी दोनों चीज भैया के हैंड ओवर में, और बैंक अकाउंट में संभाल रही हूँ उसकी। मैंने बहुत कोशिश करी संभालने की लेकिन वो ट्रांजैक्शन है ना वो ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनके कैलकुलेशन करते करते भैया बीच में भटक जाते हैं। अरे देख ले पहाड़ों से पानी आ रहा, पहाड़ों से पानी आ रहा, अभी बंद ना हुआ भाई, बर्फ पिघल रही है ज्यादा, बारिश पड़ी है ना ऊपर। हाँ और अभी फ्लाई ओवर भी देखो यार, तो सबसे बड़ा फ्लाई ओवर है इंडिया का, वो दिखाना अभी, रुक गई तो नहीं। हाँ भैया रुकी पड़ी, ये रहो भाई सब इससे बड़ा फ्लाई, 10 किलोमीटर गाड़ी इसके साइड से चलती रहेगी। वैसे बुलंदशहर में झूबे बहुत है, कितना बड़ा फ्लाईओवर है भैया ना, बुलंदशहर में झूबे बहुत है, बस ये उसमें ही ना है लिस्ट में ही ना है, वरना झूबे बहुत है। इसे घमंड ना है ना अपने ऊपर, इसने अपना नाम दिया भी ना कभी, ना कभी घमंड नहीं करा गाइस। तो देखा हमारे बुलंदशहर में कितनी अच्छी चीज है, पर कभी घमंड सीखा ही ना ये सब कुछ, क्योंकि हमारे गुरु कौन रहे? डायरेक्टर साहब तो ये रहे, और बाकी दूसरे गुरु रहे हमारे यशिया है, प्रो या ऐसे रहे हल्के हैं भैया, गुरु भाई को ऐसा इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान ना है, है तो पुरु भैया को कुछ बात में बहुत ज्यादा ध्यान था, वो अभी ऑन कैमरा ना बता रहे हूं, कुछ बाद में निकाल खोज करके पहले उनसे परमिशन ले लें। हाँ तब बताएंगे आपको हम क्या ये कैमरे पे बता सकते हैं या नहीं, या नहीं, इसलिए वो बता नहीं रहे। नेक्स्ट व्लॉग में आप बने रहे और देखे चलो, और हम कहते हैं अंकित भैया से भाभी को भी ले चलो, खुद भी चले चलो घर,
पर भैया जरा तैयार ना हो रहे, नहीं तो तीन भैया एक भाभी मिल रही है हमें। चलो भैया, भैया नमस्ते, और भाभी को राम राम कह दी। मेरा बड़ा उठा लो,